मुंबई हमले का माइंड मास्टर दाऊद इब्राहिम की ब्रिटेन में संपत्ति जब्त होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संपत्ति की कीमत 6.7 मिलियन डॉलर यानी 42,883 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पिछले महीने यूके ने फाइनेंशियली सेंसेक्स से जुड़ी असेट फ्रीज लिस्ट जारी की थी, इसमें दाऊद का नाम था। लिस्ट में दाऊद की नागरिकता भारतीय दर्ज थी। इसके अलावा उसके पाकिस्तान स्थित 3 पतों का जिक्र किया गया था। दाऊद के 21 उपनाम भी बताए गए थे जिनका वो इस्तेमाल करता रहा है। दाऊद इब्राहिम के पास बार बिकशायर में एक होटल, इसके अलावा मिडलैंड होटल, कुछ रेसिडेंशियली अपार्टमेंट सील किए गए हैं। ईटी के सूत्रों ने कहा है कि हम दाऊद को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी समेत भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन को दाऊद से जुड़े सबूत सौंपे थे जिन्हें वहां की सरकार ने सही मानते हुए कार्रवाई का फैसला लिया। लिस्ट के मुताबिक पहला पता हाउस नंबर 37 30 स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची पाकिस्तान है। दूसरा पता नूराबाद कराची पाकिस्तान पटियाला बंगला है। तीसरा पता व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास कराची पाकिस्तान दिया गया था। हालांकि पिछले साल इसी लिस्ट में दाऊद का चौथा पता भी दिया गया था जो हाउस नंबर 29 मारगल्ला रोड F6/12 स्ट्रीट नंबर 20 कराया दर्ज कराया गया था। इसे इस साल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। लिस्ट में दाऊद का जन्म स्थान खेर स्वानगरी महाराष्ट्र दर्ज है और इसकी नेशनलिटी भारतीय बताई गई है। इसमें उसके इंडियन पासपोर्ट का भी जिक्र है जिसे बाद में भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। इसके बाद दाऊद ने कई इंडियन और पाकिस्तानी पासपोर्ट का जिक्र किया गया है जिनका गलत इस्तेमाल किया गया है। दाऊद के पिता का नाम शेख इब्राहिम अली काशकर और माता का नाम अम्बीना बी और पत्नी का नाम महज बीन शेख दर्ज है। इस लिस्ट में सबसे पहले दाऊद का नाम 7 नवंबर 2003 को आया था। लिस्ट में दाऊद ने 21 उपनाम बताए गए हैं। इसमें शेख इस्लामर अब्दुल अजीज अब्दुल हमीम अब्दुल रहमान मोहम्मद भाई अनीश इब्राहिम इकबाल दिलीप अजीज फारूखी हसन दाऊद मेमन काशकश शाबरी साहेब हाजी शेठ और बड़ा भाई लिस्ट के मुताबिक इन नामों का भी इस्तेमाल करता रहा है। बता दें कि दाऊद 1993 में मुंबई में एक सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी है। धमाके के बाद वह भारत से फरार हो गया था। इन ब्लास्ट में 260 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दाऊद को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को डोजियर सौंप चुका है। भारत सरकार ने दाऊद के पाकिस्तानी पतों पर भी डोजियर में जिक्र किया था लेकिन पाकिस्तान हमेशा यही दावा करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ नहीं है। दाऊद का नाम इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उस पर धोखाधड़ी आपराधिक साजिश और एक आपराधिक गिरोह ऑपरेट करने का आरोप है। अमेरिका ने 2003 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।